चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कितना बकाया धोखपतियों पे और कितने की आरसी काटे, कितने कनेक्शन काटे? इतने 20,000 का बिल नहीं होगा, उससे पहले कनेक्शन ना कट जा। अगर हमारे खेत में कोई मीटर लगाना जाएगा सारे कुट्टी काट देंगे। कुट्टी पता तेन सरकार तक की हमारी आवाज पहुँच रही या नहीं पहुँच रही? अपनी बिजली पुलिस बना ली, एक पुलिस बिजली विभाग को दे दी उन्होंने एक महकमा और वो आपको रात को दिन में 10 बजे 11 बजे। भाई जब मीटर हमने लगवाया तो हमारी मीटर में को बिजली पेमेंट आप देंगे हम। ये वही धरती है जहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी और एक क्रांति ये शासन प्रशासन ये सरकार फिर मांग रही। 2700 रुपए पे कनेक्शन काट रखा। मैं पूछना चाह रहा यहाँ एक्शन साहब बैठे, ये इधर कंडेला जो औद्योगिक क्षेत्र है क्या सार्वजनिक करेंगे? वहां कितना बकाया धोखपतियों पे और कितने की आरसी काटी, कितने कनेक्शन काटे करो सार्वजनिक यहाँ किसानों के सामने। एक किसान पे तो 2500 रुपए का बिल होते ही किसान मजदूर जो गांव का गरीब मजदूर एक भैंस रख के अपना गुजारा कर रहा, अपने बच्चों को पढ़ा रहा, 2500 रुपए होते ही कनेक्शन काट दिया। अरे आज तक उस पर एक भी एक्शन नहीं हुआ। 1200 रुपए मिलने का बिल बैठे, 1200 रुपए मिलने का और 12 12 144। इतने 20,000 का बिल नहीं होगा, उससे पहले कनेक्शन ना कट जा। चार चार किलोवाट के कनेक्शन किस आधार पर करे? लोड चेक करा, चेक मीटर लगाया, किस आधार पर करा? यहाँ आके स्पष्टीकरण दे। अगर वह गुंडागर्दी वाली भाषा पर रहेगा और यहाँ के स्पष्ट अपनी बात नहीं कहेगा और तो उसका इलाज करा जाएगा। गांव वाले तैयार बैठे बिल्कुल इलाज करने के नाम के, कान खोल कर सुन लियो। दरखास्त किसी का कनेक्शन, किसी की कोई बात, किसी की हेरा फेरी हो रही हो वो अपनी लिखित में एक दरखास्त दे दे, सारी दरखास्तों का अमल होगा। कोई आज धरना बिजली घर पे क्यों दिया जा रहा है और कहाँ पे धरना दिया जा रहा है? ये यही एससी ऑफिस पर धरना चल रहा है और धरना तो इसलिए चल रहा है कि किसान और मजदूर जो है बिजली विभाग से बेहद त्रस्त है। ऐसे ऐसे स्कीम ला रहे निकाल गए बिजली वाले को, लूट का घेर दिया जिला। 2700 रुपये पे, 4000 रुपये पे, 5000 रुपये पे कनेक्शन काट रहे। गर्मी का माहौल है, इतनी बड़ी समस्या है लोगों को जिसका जवाब नहीं। खेत के जो ट्रांसफार्मर जड़ है उस पर बहुत मोटी उगाई कर रहे हैं, मीटर के नाम पर डरा रहे किसानों को। मीटर लगेगा जब ट्रांसफार्मर मिलेगा, कुछ किसान 10 10 12 12 हज़ार रुपये खर्च करके उसी को ट्रांसफार्मर को अपना ठीक करवा रहे। कुछ इन्हें 55 45 हज़ार रुपये रिश्वत के देकर उन्हें जब ठीक करवा रहे, बड़ा आतंक मचा रखा। इसलिए त्रस्त होगा आज भारतीय किसान यूनियन को जो है यहाँ एससी ऑफिस पर धरना देना पड़ा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के योगी तो कह रहे हैं बिजली फ्री कर रहा और ये बिजली का मीटर लगा रहे हैं। कौन सी कानून है ये मीटर लगा रहे हैं? अगर हमारे खेत में कोई मीटर लगाना जाएगा सारे कुट्टी काट देंगे। कुट्टी बिजली विभाग वालों को बिल्कुल ठीक करेंगे, हम इनके छोड़ते नहीं, हम इन्हें ठीक करे बिना। इनका दिमाग बिल्कुल सेंटर में ला देंगे, चाहे सन से तस्सी की डाल धरना देना पड़ जाओ। मैं उन बिजली फ्री कर रखी सन 27 लोग, हम कोई बिल नहीं देंगे बिजली का सर 12 का, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर रखी हम अपने कार्यकाल में 5 साल बिजली फ्री देंगे। और हमने भी घोषणा कर दी कि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, 5 साल तो हमें मुक्त कर दिया बिजली विभाग ने। तो ये सब बात, कोई मीटर नहीं लगेगा किसी की 12 पे भी, अगर किसी पर लगा हो तो वो उखाड़ के संबंधित वहां पावर हाउस को दे, वरना यहाँ लावे। अगर यहाँ कोई जमा ना करे तो हमें फोन करे, हम यहाँ मिलेंगे। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि हम इस देश के वासी हैं या नहीं है? ये जो टाउन लगी है जो 24 घंटे की बिजली, हम चुसाने के बसिंदा हैं? हमारे बच्चे ऐसे बिलक रहे जैसे जल से बाहर मच्छी बिलक रही है। 40 घर ऐसे हैं जो आज बिलक रहे ना, उनके बच्चे सो रहे, जो औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं,
बिलकर ये देखो कितनी गर्मी है और किस तरह मच्छर है। हम भी तो इस देश के वासी होंगे, कहीं हम बाहर के कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई हम इस देश का भविष्य में हमारा हक भी है क्या? या तो हमें सरकार ये कह दे कि तुम इस देश के वासी नहीं हो, हमारी कहीं सुनवाई नहीं, पता तो नहीं सरकार तक ही हमारी आवाज़ पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। अंदर के भेजे।